अमरहीम इन्ना चंगा लगता है, हुण उह 40 दिन की पैरोल ते आया है, उहनू 5-5 दिन घरे रख लो ते उह घरे जिहड़ा नामदान तुहानू वंडूगा तुहानू पता लग जू भी तुसी किस किस्म दे दरिंदे नू कातल नू बलात्कारी नू जिन्हें कुआरियां नौजवान लड़कियां दा कुआरापन भंग कीता उस दुष्ट नू बार बार इत्थे समाज विच खुला छड रहे हो पैरोलां दे रहे हो ते ए बहुत बड़ा अतवादी है। जन्म दिन तो एक दिन होगा ना ते पैरोल 40 दिन दी ए किस किस्म दा इंसाफ है। ते दूजे पासे बंदी सिखां दी रिहाई दे मसले ते दुनिया भर विच बसदा होया सिख ते समूह इंसाफ पसंद लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे ने। दा साध नू पंजवीं बार फिर पैरोल ते छड्या जा रहा है। मैं इत्थों दे सारे सिस्टम नू और उन्हां लीडरां नू जेडे अजे तक सौदा साध की सपोर्ट करते हैं उन्होंने सब तो पहला यह कहना चाहना कि जे तुहानू गुरमीत राम रहीम इन्ना चंगा लगता है हुण उह 40 दिन की पैरोल ते आया है उन्हूं 5-5 दिन घरे रख लो ते उह घरे जिहड़ा नामदान तुहानू वंडूगा तुहानू पता लग जू भी तुसी किस किस्म के दरिंदे नू कातल नू बलात्कारी नू जिन्हें कुआरियां नौजवान लड़कियां दा कुआरापन भंग किया उस दुष्ट नू बार बार इत्थे समाज विच खुला छड रहे हो पैरोलां दे रहे हो ते यह बहुत बड़ा अतवादी है। जिस अतवादी ने छत्रपति जी वर्गे नेक पत्रकारां दा कतल किया धीआं भैणां दीआं इज्जतां रोलियां मौर दे विच बंब कांड करवा के 2017 दीआं विधानसभा चोणां विच मासूमां दी जान लई है ते इहो जे कातल नू बार बार पैरोलां ते बहाना की बनाया शाह सतनाम जी का जी जन्मदिन आ रहा है उस करके जन्मदिन तो एक दिन होगा ना तो पैरोल 40 दिन की एक किस किस्म का इंसाफ है। तो दूजे पासे बंदी सिखां दी रिहाई दे मसले ते दुनिया भर विच बसदा होया सिख ते समूह इंसाफ पसंद लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे ने। मोहाली दे विच मोर्चा लग्या होया सरकार ने आ मेरे हाथ विच है नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने गुरु नानक पातशाह दे 550 साल प्रकाश पुरब नूं समर्पित यह नोटिफिकेशन जारी करके इनू लागू करन तो केंद्र सरकार भजी है सूबा सरकारां ने बेईमानी कीती है। ते दूजे पासे इहो जे कातल नूं जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दीआं बेअदबियां तक करवाईआं सन 2015 दे विच जिन्हें 2007 विच गुरु गोबिंद सिंह पिता दा स्वांग रचण दा जतन कीता उस दुष्ट नूं बार बार परोलां ते छड के यह सिखां दे जख्मां ते लून छिड़क रहे ने और यह देश दे भी खिलाफ है। अज जे भारत दे विच सब तो वड्डा अतवादी है मैं कहना वह गुरमीत राम रहीम है जिहड़ा एड्डा वड्डा कातल है बलात्कारी है लोगों नूं निपुंसक करन वाला है ते इहदे ते पटा फेरन की थां ते इहदे ते सख्त कार्रवाई करन की थां ते जिहड़ा बेअदबी घटनाक्रम का मास्टर माइंड है उहदे विच इहनूं खिच्चण की थां ते इहनूं जवाइयां वांगू पता नहीं क्यों सेवा की जाती है इत्थों दे सिस्टम वल्लों। सो ये पूरी मनुखता नूं मैं समझदा शर्मसार करन वाली गल है ते उहनां लीडरां नूं भावें उह बादल के ने जिन्हां ने यह अक लाए जिन्हां ने 2007 वाले केस दे विच्चों स्वांग वाले केस विच्चों इन्हां नूं बचाया इस दुष्ट नूं 2014 जुलाई तक इहनूं बचा के रखिया फिर इहने बठिंडे दी अदालत दे विच एप्लीकेशन दित्ती कि 7 साल हो गए पुलिस मेरे खिलाफ चलान पेश नहीं कर सकी ते तुसी जिहड़ा वापस मैनू केस विचों कढो यह 2014 विच इस केस विचों निकलिया 15 च इहने जाके बेअदबियां तक करवा दित्तियां। सो यह पंजाब दे लोकां नूं जागना पैणा है कि किस किस्म दे घटिया बंदे नूं बलात्कारी नूं इह सपोर्ट दित्ती जा रही है। सानूं डट के विरोधता करनी चाहीदी है इहो जे राक्ष बिरती दे बंदे दी ते जे इहो जे गुंडा अंसरां नूं सपोर्ट देनी है इहो जे बदमाशां दी पैरवाई करनी है सिस्टम ने सरकारां ने इहनां दी छत्रछाया करनी है तां फिर इहदे नाल तां गुंडा अंसरां दे हौसले होर बुलंद होणगे फिर तां साडे गुरु ग्रंथ साहिब दीआं बेअदबियां दीआं घटनावां वध रहीआं ने ते दूजे पासे साढ़े 25-25 साल 30-30 साल हो गए साढ़े सिख नौजवानों वो नौजवानी तो बुढ़ापे च प्रवेश कर गए कई मानसिक रोगी हो गए शरीरक समस्यावां चल रहे ने
फिर तुम कहने कि सिख जड़े ने वो ये गल करते हैं कि कानून साढ़े लिए हो रहा है तो दूजे लिए हो रहा है। आ शरेआम पक्षपात जोड़ा हो रहा है ये तो हकूमत इतों दिया अदालतों केंद्र सरकार सूबा सरकार सोचना चाहिए। तुम लगातार इस तरह अत चकोगे ये अत चकनी देश के लिए समाज के लिए चंकी नहीं होंगी और मैं समझदा इन तुरंत यहोजे राक्ष न फड़ के इनू जेल च तुनना चाहिए और इनू शरेआम इजाजत दी जाती है। यह बंदा कदे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही कदे आधुनिक तरीकों के राही अपने चेलियां सत्संग सुना रहा खौती सत्संग है जिहड़ा इहदा ते दूजे पासे साडे सिंह जो पैरोल ते कोई आउंदा है तां उहनूं कोई एक्टिविटी करन दी जिहड़ी इजाजत है वह नहीं हुंदी। सो यह साडे नाल जिहड़ा हैगा सिखां दे नाल बहुत वड्डा धक्का हो रहा और मसला इकला सिखां दा नहीं आपां सारे धीआं भैणां वाले आ परिवारां वाले आ जे इस तरह के किरदार नूं सरकार शह देगी तो किस किस्म का जिहड़ा वातावरण बनूगा देश का माहौल किहो जिहा बनूगा। यह हर सुहिरद बंदे नूं देश दे चंगे नागरिक नूं यह गल सोचनी चाहिए है। सो असी इहदे डटमी विरोध तां करदे आ भावें उह खट्टर सरकार है जां होर जिन्ने इहनां दी बैक ते बैठे है उहनां सारिआं नूं शर्म आउणी चाहिए है। ते नाल मैं उहनां नूं कहना चाहुंदा कि पांच पांच दिन सौदा साध नूं घरे रख लो ते तुहाडे वी परिवार होणगे तुहाडे वी बच्चे होणगे तुहाडियां वी वाइफ होणगियां उह फिर पुछिओ कि किस किस्म दा इह किरदार है। सो इसलिए अकल नूं हथ मारो इहोजे समाज विरोधियों इहोजे गुंडियां नूं कातलां ते बलात्कारियां दी ना सपोर्ट करो डूबेगी किश्ती तो डूबेंगे सारे ना तुम ही रहोगे ना भाई तुम्हारे फिर हालात सारियां लई इक्को जे होणगे। सतगुर बख्शिश करन कि आपां दृढ़ता दे नाल ऐसे पखंडियां दे खिलाफ डट के आवाज बुलंद करिए। इनियां बेनतियां प्रवान करियो भुल्लां चुकां लई माफी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू राम रहीम। इन्ना चंगा लगता है हुण उह 40 दिन की पैरोल ते आया उहनूं 5-5 दिन घरे रख लो ते उह घरे जिहड़ा नामदान तुहानूं वंडूगा तुहानूं पता लग जू भी तुसीं किस किस्म दे दरिंदे नूं कातल नूं बलात्कारी नूं जिन्हें कुआरियां नौजवान लड़कियां दा कुआरापन भंग किया उस दुष्ट नूं बार बार इत्थे समाज विच खुला छड़ रहे हो पैरोलां दे रहे हो ते ये बहुत वड्डा अतवादी है। जन्म दिन तो एक दिन होगा ना ते पैरोल 40 दिन की एक किस किस्म का इंसाफ है। ते दूजे पासे बंदी सिखां दी रिहाई दे मसले ते दुनिया भर विच बसदा होया सिख ते समूह इंसाफ पसंद लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे ने। मोहाली दे विच मोर्चा लग्या होया है सरकार ने आ मेरे हाथ विच है नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने गुरु नानक पातशाह दे 550 साल प्रकाश पुरब नूं समर्पित यह नोटिफिकेशन जारी करके इनू लागू करन तो केंद्र सरकार भजी है सूबा सरकारां ने बेईमानी की है।